दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एशियन डेविसी। तो आज का वीडियो दोस्तों खासकर मुर्गी पालन के लिए है। और मुर्गी पालन क्या, मुर्गी पालन में अभी के टाइम पे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जितने भी लोगों का कमेंट है, जितने भी लोगों ने फोन कॉल्स किया है मुझे, तो मैं उन किसान भाइयों की समस्याओं को सुन लिया हूं और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे दोस्त, मेरे किसान दोस्त उस चीज में फंसे ना कहीं और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज दोस्तों, ब्रायलर फार्मिंग में यह होता है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कि खासकर इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, उन लोगों का जो लास्ट टाइम में एफसीआर खराब हो जाता है, उसकी वजह पूछ रहे हैं। तो इसकी पहली वजह होती है दोस्तों कि आपका ना शुरू में, मान लीजिए कि आज 37 दिन तक आपका अच्छा खासा मुर्गा चला, इसके बाद में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फीड कम कर देते हैं। फीड कम करते हो तभी जाके, जब भाई फीड कम खिलाओगे, मुर्गे को जरूरत ज्यादा है, मुर्गा खाना चाहता है 150 ग्राम, उसकी जो क्षमता है वो 150 ग्राम की है, और आप क्या करते हो उसको मात्र 90 ग्राम फीड खिला रहे हो, तब जाहिर सी बात है कि मुर्गा बैक तो मारेगा ही। और ये कभी अपने दिल से गलत फहमी निकाल दो मेरे दोस्तों कि आप कम फीड खिला करके मुर्गे का औसत वजन मेंटेन रख सकते हो या वजन ला सकते हो, ये गलत फहमी है। मुर्गा जितना खाना चाहे या जितनी उसकी रोज की पर डे का खुराक हो, उतना जरूर फीड खिलाओ आप लोग, ये गलती कभी मत करिएगा आप लोग। दूसरे नंबर पे देखिए, जिस दिन मुर्गा उठने वाला हो, उस दिन आप लोग जो फीड नुकसान कर देते हो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक साबित हो जाता है। फीड नुकसान करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा मुर्गा जो है उठने तक, यानी जिस दिन लिफ्टिंग होना था उस दिन तक हमारा एफसीआर सही था, इसके बाद उस दिन जिस दिन उठा उस दिन घट गया। तो इसके पीछे या तो आपने जो वजन कराया है मुर्गा, जो बॉडी वेट लिया जाता है, वेट किया जाता है कि भाई एक औसत वेट, उसमें यह होता है आपका बंदा या आप खुद ऐसी गलती कर दो कि बड़े बड़े मुर्गे को उठा करके और वो औसत वजन करा लो, तो आपका हो सकता है कि वजन कम आ जाए। जैसे आपने उठाया अच्छे खासे बॉडी वेट वाले मुर्गे को, पकड़ा है 10 पीस का वेट किया है और 10 पीस आपने, 10 में से 10 पीस आपने हाईएस्ट ग्रोथ वाले को पकड़ लिया है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपका बॉडी वेट जो मुर्गे का है ये कम ही आना है, ये कम आएगा, 100% कम आएगा। क्योंकि भाई हर एक मुर्गा एक जैसा तो होता नहीं, वेरिएशन होता जरूर है कुछ ना कुछ। तो पहले अगर आप 10 पीस वजन करा रहे हो तो 4 आप मुर्गे ले लीजिए जो आपको समझ में आए, बड़े से बड़ा पकड़ लीजिए। इसके बाद 6 ऐसी मुर्गियों को पकड़िए, मुर्गे ना पकड़िए बिल्कुल नहीं, मुर्गियों को पकड़िए, 6 मुर्गियां पकड़ लीजिए, जिसमें से एक आप अगर उसमें वेरिएशन छोटा जो है थोड़ा ज्यादा दिखता हो तो उसमें 3 कर दीजिए, 3 छोटे कर दीजिए, 3 बड़ी मुर्गियां कर दीजिए, 4 मुर्गे अपने औसत पकड़ लीजिए, एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो बातें हैं वो है ये कि जैसे मान लीजिए कि आपके यहां लोडिंग वाला आ गया है या आने वाला है, 1 घंटा या 1.5 घंटा बचा हुआ है, आपने क्या किया कि अगर कंटिन्यू आप 5 बैग फीड लगा रहे हो, 5 बैग फीड उठा के झोंक दिए उसी में, अब 5 बैग फीड लगा दोगे तो मुर्गा तो तुरंत खाएगा, इसके बाद जैसे लोडिंग शुरू होगी ना, बंदा आएगा लोडिंग वाला तो दौड़ा देगा, बीट के रास्ते से फीड निकल जाएगी, है ना, तो वजन कहां से आएगा। इसलिए उस दिन आपको ये तरीका जो आप लोग अपनाते हो ये गलत है कहीं ना कहीं। जिस दिन आपका मुर्गा लिफ्टिंग होना हो उस दिन क्या करिए कि जैसे मान लीजिए शाम को लिफ्टिंग कराना है आपको, देखिए मैं
आप लोग के पक्ष में बोल रहा हूं, कंपनी के पक्ष में भी बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें ना आपका नुकसान जाएगा ना कंपनी का नुकसान जाएगा। आप क्या करिए कि सुबह में, जैसे मान लीजिए कि सुबह में फीड ना दीजिए मुर्गे को, दोपहर में अच्छे से गुड़ ले लीजिए, जो गुड़ होता है गुड़ ले लीजिए। फिर गुड़ में क्या करिए, वैसे और भी बहुत सारे देसी नुस्खे हैं दोस्तों, लेकिन वो उन नुस्खों को मैं शायद YouTube पे नहीं बता पाऊंगा। आप लोगों को जरूरत है तो मेरे नंबर 84002375712 इस पे कॉल कर लीजिए, मैं जरूर बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, वो थोड़ा सा लीगल नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूं उस चीज को वीडियो में। तो गुड़ ले लीजिए, गुड़ का पानी मुर्गे को, जैसे मान लीजिए कि दोपहर में एक से दो बजे के बीच में गुड़ लगा दीजिए लीवर टॉनिक के साथ में। लीवर टॉनिक लगा दीजिए, गुड़ लगा दीजिए, मुर्गा दबा के पानी पी ले, प्यासा रहेगा भूखा रहेगा तो पानी पिएगा। पानी पीने के बाद में फिर आप, जब वो पानी पिएगा इसके बाद में आप क्या करिए कि फीड जो है, जहां आपका 5 बैग लग रहा है वहां पे सिर्फ 2 बैग फीड पूरे फीडर में डलवाइए। ऐसा नहीं है कि आपने आगे फीड डलवा दिया और पीछे का मुर्गा आपका जो है वो भूखा रह गया, क्योंकि भाई पार्टीशन लगाते ही हो ना, तो सारे पार्टीशन में सेम मात्रा में, यानी ऐसा करिए कि जहां 5 बैग लग रहा है वहां 2 बैग फीड में, सारे फीडर में फीड पड़ जाए। ठीक है, सारे फीडर में फीड डलवा दीजिए, मुर्गा ना आधे घंटे के अंदर सारी फीड खत्म कर देगा। ये कब करना है? लगभग आपको करना है 6 बजे। गाड़ियां आपकी कितने बजे आती हैं? 10 बजे। फिर मुर्गा ना दबा के पानी पिएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं ऐसे करता हूं, चाहे मैं प्राइवेट करता हूं, चाहे मैं कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वाले में भी चलता है, प्राइवेट में भी चलता है, ऐसे ही किया जाता है। इसके बाद में ये कर दीजिए, मुर्गा आपका दबा के पानी पिएगा, अच्छा खासा जितना आपने सोचा है। मान लीजिए देखिए, पहली चीज तो आपका 3 बैग फीड बच गया, तो आपका उस दिन का फीड बच गया जो वो FCR को कंट्रोल में रखेगा, है ना। अब वो आए दौड़ाएगा तो मुर्गे में ना फीड तो ज्यादा है नहीं, पानी है, और पानी में फीड सब मिल गया है तो कितना निकल जाएगा भाई? 2 ही बैग तो जाएगा, लेकिन उतना फीड, उतना वेट ले लेगा कि आपका FCR जरा सा भी डगमग नहीं हो सकता है। तो ये ट्रिक अपनाइए। अगर किसी का मुर्गा लास्ट टाइम पे, यानी जैसे मान लीजिए कि 35 दिन के बाद वजन कम ले रहा है, तो वो लोग मल्टीविटामिन, उसके साथ में आप जो भी ग्रोथ प्रमोटर चला रहे हैं वो चलाइए, खैर, लेकिन मल्टीविटामिन भरपूर मात्रा में दीजिए, गुड़ लगवाइए। और एक मैं सबसे बेहतरीन नुस्खा बताता हूं उसका ना, अब आप लोग समझदार होंगे तो समझ जाइएगा, फीड इंटेक का कोई भी दवा लगा दीजिए, बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि आपके मुर्गे का बीट ना खराब होने पाए। ऐसा जो भी दवा लगा रहे हो उसमें ये लगाओ कि वो इतना मुर्गे को जो भी खाए वो हजम हो जाए, और हजम होने के बाद में वो दाने में फीड ना आने पाए। ठीक है, अब वो दवाएं कौन कौन सी है वो लोग आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी दवा चलाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा का सारा फीड आपके मुर्गे के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो बीट में उतना ही निकलेगा, पोषक तत्व तो उसके अंदर रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे पोषक तत्व तो जो है फीड के साथ बाहर निकल रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मुर्गे में गैस बनने शुरू हो गए, बीट पतली करने शुरू कर दिया है। आप लोग का कमेंट रहेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।
अगले वीडियो में दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिस टॉपिक के ऊपर भी आप लोग का कमेंट आएगा मैं उस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ एक चीज बता दूं दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि मेरा आरएस सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया है, साथ में मैंने बकरी पालन भी शुरू कर दिया है। बकरी पालन में मेरा 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है और ये 2 यूनिट कंप्लीट करने में दोस्तों मुझे कुछ ज्यादा खास परेशानी भी नहीं हुई। मैंने लोकल की बकरियां खरीद ली है और अच्छे से अभी चल रहा है। मेरी सबसे खुशी की बात है कि आज सुबह में जब मैं आया तो मेरे बंदे ने बताया कि भैया आज तो एक बकरी ने बच्चा भी दे दिया है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपना सब कुछ अपना दिमाग लगा के मैंने बकरी खरीदा है। फर्स्ट टाइम मेरे बकरियों में सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि जो आई है, जो बच्चा आया है वो आया नहीं है, आई है। क्योंकि मुझे बढ़ाना है तो ऊपर वाला भी मेरे साथ है। धन्यवाद।